स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर के बर्फी, वो भी बिना मावे के। तो देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है, उसके लिए लिया है मैंने ये 4 कप गाजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही लिया है 3/4 कप चीनी, 1/2 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और लिया है 3 से 4 चम्मच हम घी लिया है, ये मैंने देसी घी। साथ ही लिया है 1 कप दूध। सारा मेजरमेंट मैंने इसी कप के अकॉर्डिंग किया है। आप भी अपने घर में कोई भी कप फिक्स कर ले, उससे ही आप अपना मेजरमेंट करें। साथ ही लिया मैंने बादाम और पिस्ता। इस पिस्ता के हम कतरन काट लेंगे, और बादाम के हैं हमारे पास ऑलरेडी। और ली है 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। दूसरी साइड ली है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है ताकि गर्म हो जाए। हमारी गर्म हो गई है, इसमें डाल देते हैं हम गाजर। और इनको ऐसे सूखा ही भून लेंगे ताकि इनका जो रस है वो जल्दी सूख जाए। और हमें लगातार चलाते हुए इनको देखना है, नहीं तो पैन में चिपक जाएंगे। 5 मिनट बाद गाजर की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, रस है वो सूखने लग गया है, काफी सूख गया है इसका रस। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा घी, जो घी लिया था उसको हम 1/2 घी इसमें डाल देते हैं। और अब इसको हम घी में भून लेंगे। घी में भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ दूध, जो हमने 1 कप दूध लिया था वो। दूध से इसका टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा, तो इसलिए हमेशा फुल क्रीम दूध ले। जितना अच्छा दूध होगा आपका, उतनी अच्छी हमारी बर्फी बनके तैयार होगी। तो अब इसको दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक पूरा दूध है वो गाजर में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। दूध हमारा गाजर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। वो चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ गाजर में। तो जैसे चीनी हमारी मिक्स होगी, वैसे वैसे गाजर का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा रेड रेड कलर आ जाएगा। और अब इस चीनी को तब तक पकाना है गाजर को, तब तक ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम ड्राई ड्राई हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। देखिए हल्का पानी बचा हुआ है गाजर में। अब इसमें डाल देते हैं हम मिल्क पाउडर, और जो हमने दूध बचाया था, सॉरी घी बचाया था, वो भी डाल देंगे। ये भी मिक्स कर देते हैं और साथ ही घी भी डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, कर देते हैं मिल्क पाउडर को गाजर में। देखिए अच्छे से मिल्क पाउडर हमारा मिक्स हो गया है। इसको हम 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए और एकदम जमने लायक कंसिस्टेंसी में आ जाए। वैसे तो पैन को छोड़ दिया है इसने, देखिए अपने आप छूट रहा है, खट्टा हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पकाएं क्योंकि हमें इसकी बर्फी जमानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो मिल्क पाउडर को एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, तभी आपका बर्फी है वो लम्स फ्री बनेंगे, नहीं तो उसमें मिल्क पाउडर के लम्स पड़ जाएंगे। डाल देते हैं हम इलायची पाउडर और इसको और साथ ही डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ताकि बर्फी के अंदर भी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आए। और अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स और हमारे इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमारा बैटर भी एकदम जमने लायक कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। बर्फी को जमाने के लिए मैंने लिए एक थाली, जिसको अच्छे से मैंने घी से ग्रेस कर लिया। आप चाहें तो नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ चिकना ये हुई है थाली। तो इसमें डाल देते हैं बैटर।
मटर को हम फैला लेते हैं अच्छे से, थाली में इक्वल कर लेते हैं। बैटर को हमने फैला दिया है, अब इस पे लगा देते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। इस तरीके से चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का इस तरीके से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से इन बर्फी में सेट हो जाए, ताकि बाहर ना निकले। होने के लिए हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही बाहर ही, ना हमें फ्रिज में रखने की इसको जरूरत। घंटे हो चुके हैं, बर्फी हमारी सेट हो चुकी है, तो इनको हम पीस कट कर लेते हैं। तो मैं इसके पीस कर रही हूँ चौकोर पीस कट, आप चाहें तो अपनी पसंद से कैसे भी पीस कट कर सकते हैं। गाजर की बर्फी का एक पीस निकाल के आपको दिखा दिया है बिना मावे के, किस तरीके से गाजर की बर्फी हमारी कितनी अच्छी तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और बताइए कमेंट करके कि आपके कैसे बने। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।